हेलो अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल आई एम डॉक्टर श्रुतिका सो आई वेलकम यू ऑल बैक टू आर न्यू यूट्यूब वीडियो सो आर टुडेज़ वीडियो इज इज़ फ्रॉम द होम्योपैथिक फार्मेसी इट इज़ अपॉन द टॉपिक पोटेंटाइजेशन तो आज की वीडियो में हम पोटेंटाइजेशन के बारे में हमें जो भी पता होना चाहिए वी विल लर्न ओके नाउ स्टार्टिंग

होम्योपैथिक डायनामाइजेशन इज़ अ मैथामेटिको मैकेनिकल प्रोसेस सो अगर कहीं पे कोई आपको फाइवा में पूछ लिया या फिर ए आई पी जी टी में एम सी क्यू आ गया एंड हु एंड इट तो स्टूवर्ट क्लोज ने ये बोला है कि होम्योपैथिक डायनामाइजेशन इज़ अ मैथामेटिको मैकेनिकल प्रोसेस नाउ फर्स्ट टाइम डॉक्टर ऑफ डायनामाइजेशन ये अपना ऑर्गेनॉन में कब आया था वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट टाइम द डॉक्ट्राइन ऑफ डाइनामाइजेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द फिफ्थ एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन ओके इन द ईयर 1833 फिफ्थ एडिशन में आया है ओके फॉर ट्राइचुरेशन ट्राइचुरेशन वी हैव टू स्केल्स वी यूज़ टू स्केल दैट इज डेसिमल स्केल एंड सेंटेसिमल स्केल एंड फॉर साकशन वी यूज थ्री स्केल दैट इज सेंटेसिमल डेसिमल एंड फिफ्टी मिलेसिमल विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एल एम पोटेंसी नाउ अगर हमें शुगर ऑफ मिल्क को ट्राइचूरेट करना है तो वॉट डू वट थिंग्स वी यूज वी यूज मॉटर एंड पेसल नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम uh, में कि प्लम्बम को ये करना है बनाते समय हाउ डू वी यूज और हाउ डू वी डू दैट प्रोसेस सो प्लम्बम मेडिसिन बनाते हुए पेसिल शुड बी रब्ड स्लोली एंड फेरमेट ये मेडिसिन बनाते वक्त मॉर्टर मस्ट बी केप्ट वॉर्म प्लम्बम में पेसल को स्लोली रब करना है और फेरामेट को बनाते समय मॉर्टन मस्ट बी कैप्ट नाउ दिस इज अनादर कोट दैट वॉज सेट बाय डॉक्टर बर्ट की एडवाइस ही हैज़ एडवाइस टू मॉइस्टर द शुगर ऑफ मिल्क विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्कोहल ड्यूरिंग ट्राइचुरेशन तो अगर ये एग्जाम में आ गया या फिर आपके वाइवा में पूछ लिया कि डॉक्टर बर्ट ने क्या बोला है तो ही उन्होंने बोला है कि शुगर ऑफ मिल्क को थोड़ा सा अल्कोहल लेके उसको मॉइस्टन कर देना है ड्यूरिंग ट्राइचुरेशन और या फिर एम में पूछ ले कि ये सेंटेंस किसने बोला है तो ये बोला है डॉक्टर बर्ट ने नाउ वेन डिड हैनीमैन डिस्क्राइब ट्राइचुरेशन अभी ट्राइचुरेशन का कंसेप्ट हैनीमैन ने कब बोला फॉर द फर्स्ट टाइम सो Hanneman originally described trituration in chronic diseases, volume 1, volume 1 of chronic disease. Now, how can we convert 6x trituration to decimal scale? So, Jaha pe. इन ट्राइचूरेशन वी डू सिक्स एक्स ट्राइचूरेशन को हम uh, 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 कोई भी मेडिसिन अगर हम ये बनाते हैं तो डेसिमल स्केल की कोई भी मेडिसिन इज डिनोटेड इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड सिक्स एक्स थ्री सी इज लिक्विड पोटेंसी फोरसी इज द फर्स्ट लिक्विड पोटेंसी प्रिपेयर अंडर सेंटेसिमल स्केल दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एम सी क्यू जो पूछा जाता है कि विच इज द फर्स्ट लिक्विड पोटेंसी प्रिपेयर अंडर सेंटेसिमल स्केल तो द आंसर इज फोरसी एंड एटेक्स इज अ डेसीमल स्केल सो दिस वॉज अबाउट अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द टॉपिक पोटेंटाइजेशन बिकॉज हम ज़्यादातर फार्मेसी के बारे में अभी पढ़ रहे हैं सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल और अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना सो टुगेदर वी लर्न सो दिस वीडियो वॉज अबाउट लेट मी जस्ट गिव यू और जस्ट कि हम आज क्या सीखे पोटेंटाइजेशन की डेफिनेशन सीखी उसमें दो तरह के पोटेंटाइजेशन रहता है ट्राइचुरेशन हम इन के लिए यूज़ करते हैं साक्शन सोल्यूबल के लिए यूज़ करती है तो दो कंसेप्ट सीखा कि स्टूवर्ट ने क्या बोला डॉक्टर बर्ट ने क्या बोला फर्स्ट टाइम डॉक्टर आइन ऑफ डायनामाइजेशन फिफ्थ एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन में इंट्रोड्यूस हुआ था 1883 में अगर आप ट्राइचुरेशन कर रहे हो तो दो स्केल है डेसिमल एंड सेंटेसिमल अगर आप साकशन कर रहे हो तो तीन स्केल है सेंटेसिमल डेसिमल फिफ्टी मिलिसिमल जिसको हम पोटेंसी भी कहते हैं अगर आप शुगर ऑफ मिल्क को ट्राइचुरेट कर रहे हो तो हमें यूज़ करना है मोटर और पेंसिल और ये दो ड्रग्स बनाते समय क्या करना है वो बताया एंड फर्स्ट टाइम हैनीमैन ने ट्राइचुरेशन कहाँ पर बोला था तो क्रॉनिक डिसीज के वॉल्यूम वन में बोला था सो दिस वाज अ Just about potentization. Okay, keep learning, keep sharing. Thank you, and have a nice day.